दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डावरामला हेयर ऑयल मिस हिमाचल 2019। अविवाहित युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका अपनी प्रतिभा को दिखाने का। भाग लीजिए ऑडिशन में, जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फेसबुक पर मिस हिमाचल का पेज लाइक करना ना भूलें। जाने माने उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का नाटक मंचन 2 फरवरी को गेटी थिएटर में किया जाएगा। इसके लिए कलाकार इन दिनों रिहर्सल में जुटे हुए हैं। नाटक के निदेशक कपिल देव शर्मा ने बताया कि इस नाटक का मंचन पहाड़ी परिवेश में किया जाएगा। वहीं इनकी कहानी गरीब किसान के जीवन और संघर्ष को दर्शाती है। नाटक है मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है, अति प्रसिद्ध उपन्यास है उनका गोदान, उसका हमने नाट्य रूपांतरण किया है हमारे हिमाचल परिवेश में, जिसका निर्देशन मैं खुद कर रहा हूँ। और पिछले 40 दिन से हम इसकी रिहर्सल कर रहे हैं और हमारे साथ जो है हिमाचल के जैसे रोहू से, करसोग से, मंडी से, कुल्लू से, इवन शिमला के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। और 2 तारीख को हम इसका मंचन कर रहे हैं। इसके 2 शो है, एक दिन में 1 बजे कर रहे हैं हम और दूसरा जो है 5:30 है। सर इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो गौ माँ है हमारी, जो गोदान में भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में है, और दूसरा हमारा जो कल्चर है। उस दौरान जब मुंशी प्रेमचंद जी ने ये गोदान लिखा था, उन्होंने अपने किसी और कल्चर में, वो हिमाचल में नहीं लिखा था, बट हमारे हिमाचल में भी कभी ना कभी उस टाइम वो कहीं ना कहीं वैसी चीज़ घटी होगी, तो उस चीज़ को दिखा रहे, हिमाचल का कल्चर कैसा था और हिमाचल में कितना अहमियत दी जाती थी गौ माता को, तो उस पर बेस्ड है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जो एक गरीब आदमी है, जो गरीब किसान है, उसकी क्या स्थिति थी, किस किन हालतों से वो गुजरता था, ये सब चीज़ें हैं हमारे जो नाटक में है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट।